मास को फिलफुल कर रहा है ये रिएक्शन? क्या ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फिलफुल कर रहा है? यस और नो? इज दिस रिएक्शन फिलफुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और नॉट? बताइए, क्या ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फिलफुल कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। मास ऑफ रिएक्टेंट 34 ग्राम है, मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है 18 ग्राम है, तो इसको क्या करेंगे हम, बैलेंस कर देंगे। बैलेंसिंग जो आता है, यहाँ पे अगर हम दो लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, दो दूना चार हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, दो लगाना पड़ेगा। अब देखिए, अब नया वाला जो हो जाएगा, अब इस वाले रिएक्शन से अगर हम लिखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं, दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये हो जाएगा चार, चार हाइड्रोजन है तो एक होता है मास, तो चार हाइड्रोजन, दो दूनी चार हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा चार प्लस, ये तो 32 ही रहेगा, 32। अब देखिए इधर, चार प्लस 16 दूनी 32, चार प्लस 32 कितना हो गया, 32 चार 36 इधर भी हो गया, और 32 चार 36 इधर भी हो गया, इधर भी कितना हो गया 36। अब फिलफुल हो गया, अब क्या हो गया, फिलफुल हो गया, बिकॉज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू टोटल। बिल्कुल अर्पना, मास इक्वल नहीं था, अब इक्वल करने के लिए क्या किए, बैलेंस कर दिए। इसलिए जब क्लास 10th में जाइएगा तो बैलेंसिंग